नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर होंगे। बता दें कि बालोद के ग्राम गुडमदरा में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वहीं पर गीता जयंती में भी शामिल होने वाले हैं। शाम 4 बजे पाटन के उतई सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे, उसके साथ ही हनुमान मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। तो आज तमाम सारे कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वो तमाम सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर होंगे। जहां पर बालोद के ग्राम गुडमर्रा में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वहीं पर गीता जयंती में भी शामिल होने वाले हैं। बता दें कि शाम 4 बजे पाटन के उतई में सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे, उसके साथ ही हनुमान मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे, हमारे साथ में जुड़ गई है। खुशबू, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर होंगे, इस दौरान वो कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? जी हाँ, आज सुबह मुख्यमंत्री जो है 11 बजे जो है दुर्ग जिले के हेलीपैड रायपुर हेलीपैड से जो है बालोद जिले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बालोद और दुर्ग जिले में आज विभिन्न कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। जी हेलीपैड द्वारा जो प्रस्थान कर बालोद जिले के डोंडी लोहार विशाखापट्टनम विकास खंड के ग्राम गुडबर्रा पहुंचेंगे। वहां वे दोपहर 1 बजे जो है 2 बजे तक किसान सम्मेलन भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे से अपराह 3 बजे तक जो है सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद में गीता जयंती और वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वहां दुर्ग जिले के फतोरा उतई पहुंचेंगे और वहां 4 बजे से जो हनुमान मंदिर वार्षिक उत्सव में जो है वहां पर शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहां से उसके बाद जो है रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो लगातार यहाँ पर दुर्ग और बालोद जिले का जो है कार्यक्रम है उसमें जो आयोजित विभिन्न कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। और जिस तरह से लगातार वो इसी जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होते हैं, वही कार्यक्रम आज उनका रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर होंगे।